हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि आपको मैं बताने लेके जा रहा कि पटना में मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पटना में मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स पटना का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार मार्केट कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई दुकानें और कई गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। तो इसका रिनोवेशन होने जा रहा है, वही मैं आपको दिखाने लेके जा रहा इस वीडियो के थ्रू। आप देखेंगे कैसे इसका रिनोवेशन किए जाने की बात कही जा रही है और कैसे और क्या इसका रिनोवेशन करके बदलाव लाया जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ और वीडियो को देखते रहें अंत तक। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि हम यूं ही ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें और बिहार के बारे में आपको सारे अपडेट्स देते रहें। हाँ, तो व्यूवर्स, मैं आपको बता दूँ क्या खबर है। खबर बहुत ही अच्छी है। खबर यह है कि जैसे कि आपको मालूम ही है, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स पटना का एक लार्जेस्ट ओल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसको पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिनोवेट करने का जिम्मेदारी हफीज कॉन्ट्रैक्टर को दिया, जो कि एक 61 ईयर ओल्ड लीजेंडरी आर्किटेक्ट कंपनी है। इसको जॉब मिला है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रिनोवेट करने का। ये कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल हब होगा रिनोवेशन के बाद। कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है और इसको फाइनलाइज किया जा रहा है बुडको के द्वारा। बुडको का फुल फॉर्म होता है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसमें क्या क्या रिनोवेशन होगा, ये रिनोवेट होने के बाद पटना का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बन जाएगा, जो अभी भी है। बट इसमें बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज भी अवेलेबल कराई जा रही हैं लोगों को। अभी यहाँ पे लगभग 100 स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं यहाँ पे और हजारों लोग यहाँ पर डे विजिट करते हैं। ये पूरा का पूरा 5 तल्ले का, जिसको कि तोड़ करके अब 9 तल्ले का बनाया जाएगा। और यहाँ पे पावर इश्यूज हैं, जिसके कारण यहाँ पे नए वाटर टैंक्स और नए जनरेटर्स भी फिक्स किए जाएंगे हर ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि हर एंट्री गेट्स पे आने वाले लोगों को मॉनिटर किया जा सके। उसके अलावा वाटर टैंक, लिफ्ट्स और जनरेटर की भी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। और ये पूरा का पूरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बन रहा है, पीपीपी मोड में बन रहा है। तो ये खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि हम यूं ही ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें। और हाँ व्यूवर्स, प्लीज़ सजेस्ट करेंगे अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।